सत्तरवीं शताब्दी के अंत में मुगल राज पतन पर था और तभी भारत के सूबों में नवाबों की ताकतें बढ़ने लगी थी और इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहती थी। उस समय कलकत्ता का फोर्ट विलियम किला, जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था, उस पर ब्रिटिशर्स ने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी, क्योंकि बंगाल के इस मुख्य व्यापार केंद्र पर फ्रेंच भी अपना कब्जा चाहते थे। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से फोर्ट विलियम किले पर घेराबंदी का कारण पूछा तो अंग्रेज इसका माकूल उत्तर नहीं दे सके। सिराजुद्दौला ने विद्रोह का भाव जानकर 16 जून 1756 को 50,000 की फौज फोर्ट विलियम भेज दी। फोर्ट विलियम के गवर्नर जॉन ड्रेक थे। जब उन्हें नवाब की सेना दिखाई दी तो वे कुछ खास लोगों के साथ वहां से भाग निकले। इसके बाद वहां नवाब की सेना का सामना जॉन हॉलवेल करने आए, लेकिन उन्हें युद्ध लड़ना नहीं आता था। इस प्रकार 20 जून को अंग्रेजों ने खुद को नवाब के सामने आत्मसमर्पित कर दिया। जब हॉलवेल को नवाब के सामने पेश किया गया तो नवाब ने नरमी से पेश आने का वादा किया और मामले को अगली सुबह पर छोड़ दिया गया। लेकिन इसी बीच नवाब की सेना और अंग्रेजों के बीच किसी बात को लेकर तनाव बढ़ने से सभी को काल कोठरी की सजा देने की घोषणा की गई। 18x14 फीट की इस काल कोठरी में जहां 2 से 3 अपराधियों को ही रखा जाता था, उस समय 146 अंग्रेजों को उस काल कोठरी में ठूंस दिया गया, जिसमें औरतें भी शामिल थी। जून की भयानक गर्मी और उमस से बेहाल होकर अंग्रेज बेहोश होने लगे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दम घुटने से ब्रिटिश लोग चिल्ला रहे थे और तड़पते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब काल कोठरी का दरवाजा खोला गया तो 23 लोग अधमरे अवस्था में पाए गए, अन्य लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद यह मामला ब्रिटेन तक भी पहुंचा। दरअसल इस पूरी घटना को हॉलवेल ने अपनी पुस्तक में लिखा था। कुछ इतिहासकार इस बात को बड़ा चढ़ाकर लिखा हुआ मानते हैं, लेकिन माना जाता है कि अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए ही प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध लड़े और भारत की सत्ता पर अपना कब्जा किया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पुस्तक बोध से।